विश्वास की दुनिया में हर किसी के माइंड अलग अलग तरीके से मूवमेंट करता है, लेकिन हम अपने माइंड के बीच में हमारे कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम सोचते रहते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो माइंड है वो इतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता, तो हम भूल भी कई बातें जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो आज इंसान के बीच में बहुत ही ये अलग बीमारी सी है, और ये हम सोचते हैं कि जो 100 में से 100 मार्क्स लेकर आता है वही एग्जैक्टली जीनियस है, ऐसा नहीं है। अगर आप 10 मार्क्स भी लेकर आते हो तो फिर भी आपके अंदर एक जीनियस होने की बात है। वो कैसे? अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपको आज मैं इंसानों के बीच में ऐसी आदतें के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको जीनियस होने के सबूत पेश करती है, और साइंटिस्ट ने इस बात को रिसर्च करके कन्फर्म किया है कि ये जो आदतें हैं, ये आदतें इंसान के बीच में पाई गई हैं, और ये आदतें के रिलेटेड वो उसे जीनियस बता रहे हैं। तो अगर आपके अंदर ये आदतें हैं, मैं आपको ऐसी आदतों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको जीनियस पता चल जाए कि आप हो या नहीं, या फिर आप नॉर्मल हो, या फिर आप एक जीनियस हो। आपको इस वीडियो में, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको कन्फर्म हो जाएगा कि मेरे अंदर ये जीनियस की ये बात है। आज आपको मैं ऐसी ही आदतों के बारे में बताने वाला। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ऐसे इंसान है जो रात भर जागते हैं और कोई ना कोई ऐसी चीज सोचते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ढूंढते रहते हैं, और कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ ली या फिर मोबाइल्स के बीच में कुछ इंटरनेट पर ऐसा सर्च किया, तो जिसका हमें अभी तक जवाब भी मालूम नहीं होता कि हम ये क्यों सर्च कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली उसके बारे में सर्च करना जो हमें अभी तक मालूम ही नहीं है कि इसको सर्च करने में हमें क्या मिलेगा, तो हम उसको सर्च करते हैं इंटरनेट एंड किताबों के बीच में, हम उसको ढूंढते हैं, हमें मालूम नहीं होता लेकिन फिर भी हम ढूंढते हैं, तो ये एक जीनियस की निशानी है। तो आप अगर ऐसा करते हो, ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ऐसी भूख लगी रहती है कुछ ना कुछ करने की, उनसे फ्री बैठा नहीं जाता और रात भर वो कुछ ना कुछ करते हैं, कई लोग तो सोते भी नहीं हैं। तो आप अगर ऐसा करते हो तो आपके अंदर भी एक जीनियस की निशानी है। नंबर 2, अगर हम कुछ वर्क कर रहे हैं तो वर्क करते टाइम हमें जो काम मिला होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उस चीज़ को हम एब्जॉर्व करते हैं, वो कौन सी चीज़ है आप जानते हो? आप ध्यान अपने माइंड के बीच में थोड़ा सा जोर डालकर देखो, जब आप कोई काम करते हो तो आप उस काम को करते टाइम तो कुछ अलग ऐसा कुछ ड्रॉ करने लग जाते हो, जैसे कई स्कूल के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको जब टीचर कोई काम देती है तो काम को वो करते तो हैं लेकिन साथ में कुछ ऐसा ड्रॉ करते रहते हैं, और वो उनको कुछ ना कुछ बढ़िया सी चीज़ बनाने का नशा सा चढ़ा रहता है और वो उसको ड्रॉ करते रहते हैं। जब हमें वो काम जो मिला होता है वो भी करते हैं लेकिन साथ में कुछ अलग ड्रॉ करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा बनाते रहते हैं, तो ये उनके पैशन को पहचान में आ जाती है, ये उनका पैशन बन जाता है। तो ये चीज़, तो आखिरकार जब वो आगे बढ़ते हैं, कॉलेज लाइफ में जाते हैं, आगे की आगे बढ़ते रहते हैं, तो जो उन्होंने बचपन के बीच में किया होता है वो आगे के टाइम के बीच में उनका फ्यूचर सुधार देता है। तो आपने भी ऐसी कई चीज़ें की होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नंबर 3, अल्बर्ट आइंस्टाइन के माइंड के बीच में ब्लू ब्लू कलर के एक डॉट्स थे, मींस कि ब्लू कलर के बीच में जो उनके माइंड के बीच में था, उनके माइंड को उन्होंने ऐसा जब साइंटिस्ट ने चेक किया उसके माइंड के बीच में ब्लू कलर के थॉट्स बहुत ही ज़्यादा पाए गए। ब्लू कलर के जो थॉट्स होते हैं वो जीनियस कहने के लायक होते हैं, उनके अंदर मींस कि वो सोते बहुत कम है, और जब वो कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के टाइम वो बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो वो अपना फ़ोन नंबर या अपना नाम तक भूल जाता था, तो उसका जो माइंड था एक ही चीज़ पर फोकस कर रहा था। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, हम कुछ जब काम करते हैं तो उस काम को हम करते तो हैं लेकिन उस काम को करने के टाइम हम कुछ और भी सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से उस काम में हमारी गलती हो जाती है, तो ये हमें पता नहीं चलता लेकिन हमें माइंड के बीच में ये चीज़ चलती रहती है। कई लोग होते हैं जिनको पहचान में आ जाती है तो कई सुधार भी लेते हैं। तो आप
ऐसा करते हो क्या? अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम को करने के टाइम आप और भी कुछ सोच रहे हो, तो अगर आप सोच रहे हो तो ये भी एक जीनियस की निशानी है। मीन्स कि आपका माइंड जो है, आपका माइंड ज़रूर थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि और कुछ भी सोच रहे हो, आपका माइंड दो जगह पर सेटअप हो रहा है। तो धीरे धीरे करते आप दो चीज़ें सोचने लग जाते हो, तो कभी जो काम कर रहे हो उसके बीच में गलती नहीं होती। तो आपका जो माइंड है वो माइंड दूसरी जगह पर भी काम कर रहा है, दूसरे काम जो आप करना चाहते हो उस पर भी आपने फोकस किया है, यहाँ पर भी फोकस किया, तो दो जगह पर आपका माइंड काम कर रहा है। मीन्स कि आप एक जीनियस हो, आपके अंदर ये जो चीज़ अगर है तो आप भी एक जीनियस हो। नंबर 4, आजकल हर कोई चाहता है कि यार मैं अलग अलग देश मीन्स कि अलग अलग जगहों पर घूम कर आऊँ तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम बस घर में बैठे रहें, तो घर में बैठकर एग्जैक्टली हम क्या करेंगे? जो हमारा माइंड होता है ना वो ज़ीरो हो जाता है। जो लोग बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो कभी उनको देखना, कभी आप उनसे पूछना, कोई बात आप पूछकर देखना तो आपको वो जवाब देगा, हाजिर मींस कि जवाब देगा, जो आप पूछोगे आपको मिनटों में जवाब मिल जाएगा। अगर वो बंदा इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करने के बावजूद उसको माइंड जो है वो माइंड बहुत ही हाई लेवल तक उसका आगे की आगे बढ़ता रहता है, तो मींस कि सिंपल सी बात है कि उसका जो माइंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाता है, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया देख ली होती है। हम तो अभी फ्रेश हैं, हमको तो अभी कुछ मालूम ही नहीं है। तो ये अगर आप भी ट्रैवल करने में भी घूमना चाहते हो, घूमते फिरते हो कई अलग जाने अलग अलग जगहों पर जाने के लिए हमारा मन करता है, तो वो क्यों करता है? क्योंकि हम देखना चाहते हैं उसमें अच्छा क्या है। तो अगर हम उसको देखने के बावजूद हमारे माइंड के बीच में हम सोचते हैं कि हम भी ऐसा कुछ अलग करेंगे, तो अलग कई लोग जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं तो ये भी उनके एक जीनियस की निशानी होती है। तो आप अगर कोई चीज़ को देख लेते हो तो उसके बाद सोचते हो कि हाँ मैं भी ऐसा करूँगा, लेकिन कई होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार मैं तो ऐसा कुछ बना ही नहीं सकता, तो वो कभी ज़िंदगी में ऐसा बना ही नहीं पाता। अगर हम सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ हमने देखी तो हम भी ये चीज़ बनाएंगे, तो कैसे वैसे करके हम बनाएंगे, तो ये आपकी पॉजिटिविटी जीनियस होने की आपकी निशानी है, तो ये आपको आगे लेकर जाएगी। आपके अगर माइंड के बीच में ऐसा चलता है कि यार मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो आपने इतना सब कुछ सोच लिया, तो अगर आप उन सबको इकट्ठा करके एक आप इतने सारे अपने ड्रीम्स को इकट्ठा करके एक चीज़ पर उसके फोकस कर दिया, तो आप उसके बाद उसी चीज़ पर आपने ध्यान दिया, तो आप क्या करोगे, आप पूरा का पूरा आपका जो माइंड होगा वो डेवलप होने लग जाएगा, तो आप एक जीनियस बन जाओगे। तो आपके माइंड के बीच में ब्लू थॉट्स ऐसे आ जाएंगे माइंड के बीच में, तो आप भी एक जीनियस बन जाओगे। तो आपके अंदर ऐसी आदतें हैं या नहीं ये आप मुझे बताना। तो ये जो हमारे अंगूठों के बीच में ये जो वाइट कलर के होते हैं ये क्यों होते हैं हम सोचते हैं, तो ये हमारे माइंड के बीच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात चलती रहती है, तो ये भी एक जीनियस होने की निशानी होती है। क्योंकि अगर हम कुछ काम करते हैं, अगर हम काम कुछ अलग करने के बारे में सोचते रहते हैं, अगर आपके हाथों के बीच में ऐसा निशान है तो आप भी एक जीनियस हो। जीनियस क्यों हो? क्योंकि ये जो सर्कल होता है, क्योंकि ये जो डॉट होता है ये हर किसी के नहीं होता, ये उन्हीं पर होगा जो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, अपने माइंड को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उनके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा होगा, कहीं कर छोटा होगा। अपने राइट हैंड में आप देखना, आपके राइट हैंड में भी होगा। तो आई होप कि गाइस आपको समझ आ गया होगा, और इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया है, जो आदतें बताई हैं, अगर आपके अंदर वो आदतें हैं तो आप एक जीनियस हो। तो आप नीचे मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कि आप ये चीज़ काम करते हो तो आप भी एक जीनियस हो। आपके अंदर ऐसी कौन सी आदत है जो आप करते हो, हर पल सोचते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना एंड हमारे फेम टेक्स्ट्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ ऐसी कमाल के वीडियो के साथ। अगर सोशल मीडिया पर हो तो आप फॉलो कर सकते हो। तो मिलता हूँ ऐसी वीडियो के साथ।
इफेक्टिव वीडियो के साथ। तो बाय बाय।